हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि होली के मौके पे ख़ास तौर पे बनाई जाती है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये गुजिया मैं शुगर फ्री बना रही हूँ, जो कि डायबिटिक वाले लोग भी आराम से खा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, इससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी डाल दिया मोयन के लिए। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे सारा। पहले मैंने 1.5 टेबलस्पून घी डाला था, फिर मुझे लगा थोड़ा कम है तो मैंने फिर 0.5 टेबलस्पून और डाल दिया। तो टोटल 2 टेबलस्पून 2 कप के लिए मैंने मोयन डाला है। अब मैंने थोड़ा सा और घी डाल दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा मोयन कम है, तो फिर अगर मोयन कम हो तो फिर अच्छी नहीं बनेगी गुजिया भी। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं दोबारा से आपको मुट्ठी बांध के दिखाती हूँ। अगर मुट्ठी बंद रही है, इसका मतलब कि हमारा मोयन बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, एक बार और दिखाती हूँ, अब ठीक है। अब मैं गुनगुना पानी लूँगी और थोड़ा थोड़ा डाल के सख्त आटा गूंदेंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं, पूड़ी से सख्त गूंदना है हमने, जैसे मठियों के लिए या मटरे के लिए हम गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालें गुनगुना और सख्त आटा गूंदें। काफ़ी 1/4 कप के करीब मेरा पानी लगा है 2 कप मैदे में, थोड़ा सा कम। अब आटे को मसल मसल के हम इकट्ठा कर लेंगे। अच्छी तरह से गूंद लें इसको, इस तरह से हाथ से दबा दबा के। ये देखिए, आटा इतना सख्त होना चाहिए। जैसे आटा इकट्ठा होने लगे, हम इसको एक बॉल के अंदर ढक के इस तरह पहले अच्छी तरह मसल लेंगे। बॉल के अंदर 1/2 घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे, ताकि आटा जो है सेट हो जाए। तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। इसके अंदर स्टफिंग के लिए डालने के लिए मैंने यहाँ 7 मोटी इलायची, 1/2 नटमेग, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू टुकड़ा, 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून मैंने चिरौंजी ली है। ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से आप कम बढ़ती या कोई भी आप जो पसंद है वो डाल सकते हैं। 1/2 कप डेसिकेटेड नारियल, 1/2 कप खोया, 8 मैंने अंजीर ली है जिसको रात को पानी में भिगो दिया था, इसकी पेस्ट बनाएंगे। और देसी घी ज़रूरत के हिसाब से, जितना हमें ज़रूरत लगेगी उतना हम डाल देंगे। मोइन में भी डालना है और हमने पेस्ट में भी डालना है। अब सबसे पहले हम अंजीर को एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसके अंदर इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पानी हमने थोड़ा ही डालना है इसमें, जिस तरह की इसमें पेस्ट बन सके। ये देखिए, इसकी बिल्कुल बढ़िया सी पेस्ट बन गई है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे बॉल के अंदर। और ये खसखस को मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी, बस 30 सेकंड तक। बस खसखस हमारी रोस्ट हो गई है, उसको मैंने निकाल दिया है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच देसी घी डालूँगी और जो अंजीर की पेस्ट है उसको हम इसमें फ्राई करेंगे, ताकि इसमें से सारा पानी सूख जाए। और ये देखिए, पानी सूख गया और ये देखिए बिल्कुल इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे अभी, क्योंकि पैन गर्म है। अब इसके अंदर खोया डाल देंगे। खोए को आप हाथ से अच्छी तरह से मसल लें, जो पेस्ट है अंजीर की उसके साथ मिक्स कर देंगे। अब इसी के अंदर मैं डेसिकेटेड नारियल डाल दूंगी। नारियल आप जो सूखा नारियल है कद्दूकस करके वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास डेसिकेटेड था तो मैंने ये डाल दिया। उसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और काजू को भी बारीक बारीक काट लिया है। बादाम को मैंने बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है चॉपर से। किशमिश, चिरौंजी, 1/2 चम्मच से कम नटमेग है और 1/2 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, उसको भी हम डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। नहीं, ड्राई फ्रूट आपकी मर्जी है, आप कोई भी कम बढ़ती कर सकते हैं, जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। चाहे आप इसमें पिस्ता डालें, चारों मग्स डालें, सूखा नारियल डालें, जो मर्जी डालें इसमें। स्टफिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने ये शुगर फ्री बनानी थी तो इसलिए मैंने इसमें अंजीर डाली है। अगर खजूर है तो खजूर भी आप डाल सकते हैं, खजूर से भी मीठा हो जाता है। खजूर नहीं थी तो अंजीर डाल दी मैंने। बस अब ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। 1/2 घंटा हो गया, आटा भी हमारा सेट हो गया। ये देखिए, हमें इस तरह का सख्त आटा चाहिए, पूड़ी से सख्त आटा। ये देखिए, बीच में से इस तरह से जालीदार भी होना चाहिए, जैसे मट्ठी के लिए आटा गूंथते हैं हम। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस काट लूँगी, पूड़ी से छोटी पूड़ी बनानी हमने।
छोटे छोटे पीस काट लेंगे। अब इसको पूड़ी की तरह बेल लेंगे। अपने सारी साइड पूड़ी अच्छी तरह बेलनी है, इसके किनारों को अच्छी तरह दबा के, ताकि किनारे मोटे ना रहें। ये गुजिया का मोल्ड आता है जो बाज़ार में बहुत ही सस्ता बड़े आराम से मिल जाता है। आप कई तरह के मोल्ड मिलते हैं, ये मेरे पास एक सिंपल गुजिया का मोल्ड है जिसके अंदर मैं गुजिया बनाऊंगी। अब इसको हमने इतना बेल लेना है कि जो ये हमारा गुजिया का मोल्ड है इससे ज़्यादा बड़ा हो, थोड़ी बाहर को निकले। अब इसके अंदर एक चम्मच स्टफिंग डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं स्टफिंग आएगी इसमें क्योंकि ये मोल्ड छोटा है। और किनारों में हम पानी लगा देंगे इसके, इसीलिए थोड़ी बड़ी पूड़ी बेलनी है हमने। किनारों किनारों पे पानी लगा के इसको हम बंद कर लेंगे, अच्छी तरह से दबा के बंद करें ताकि किनारे अच्छी तरह दब जाएं सारे, अच्छी तरह इस तरह दबा के। और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो निकाल लेंगे, इसको फिर दोबारा से जब गुजिया बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। ये थोड़ा पहली बार मैंने बनाई है गुजिया, हमारी अच्छी तरह से बन गई है, इसका डिज़ाइन भी बढ़िया बन गया। अब मैं एक और आपको अच्छी तरह से बताती हूँ बना के। अब इस तरह से मैं एक और बेलती हूँ, आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह। आपने इसको इस तरह उल्टा करके देख लें, थोड़ा क्लियर आपको समझ आ जाएगी। पूड़ी का साइज़ मोल्ड से बड़ा होना चाहिए ताकि वो आराम से अंदर सेट हो सके मोल्ड में। फिर उसको हम मोल्ड में रख लेंगे और इसी तरह से एक चम्मच स्टफिंग भर लेंगे और किनारों पे पानी लगा के इसको दबा के बंद कर देंगे। बस ये पानी लगा दिया मैंने, ये देखिए इसी तरह से किनारे थोड़े बाहर ही होने चाहिए तभी बढ़िया बनेंगे। बस ये मैदा यूज़ हो जाता है, कोई ख़राब नहीं जाता, इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए कितनी अच्छी कटिंग हुई है इसकी। बस इसको आराम से आप निकाल लें। बस इसी तरह से मैं सारी गुजिया बना लूँगी। अब अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो फिर आप क्या करें, तो मैं उसके लिए भी आपको बता रही हूँ कि आप एक पूड़ी की तरह पूड़ी बेल लें, एक डेढ़ चम्मच आप स्टफिंग भर लें और इसको इस तरह से किनारों पे पानी लगा लें और फोल्ड करके और इनको किनारों को अच्छी तरह से दबा दें। और एक फॉक ले लें, फॉक से आप इस तरह से साथ में तो किनारे दब जाएंगे इसके अच्छी तरह से और साथ में इसमें डिज़ाइन बन जाएगा। बस इसमें एक कमी है कि इसमें डिज़ाइन एक ही साइड आएगा आपका, दूसरी साइड आएगा नहीं। तो गुजिया का जो मोल्ड आता है वो भी बड़ा सस्ता आता है, उसमें थोड़ा सिरदर्दी नहीं, आराम से बन जाती है। बस अब ये हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल आपने इतना ही गरम करना है जैसे हम मठियाँ हल्के सीक पे गरम करते हैं, फ्राई करते हैं, उतना ही गरम करना है आपने। ज़्यादा तेल गरम नहीं करना आपने, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है आपने। अब एक एक करके गुजिया डाल देंगे इसमें, जितनी गुजिया आराम से फ्राई हो सकती हैं उतनी ही डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे झाग थोड़ी ख़त्म हो जाए इसको आप पलट पलट करते रहें धीरे धीरे। ये ज़्यादा फूल गई मिट्टी जो तेल के अंदर है वो फटाफट पलट जाती है, फिर हल्का गोल्डन सा ब्राउन कलर, हल्का ब्राउन कलर आ जाए, पिंकिश कलर जो होता है, तब तक फ्राई करेंगे इनको। देखिए इनको हिलाते रहें साथ साथ में धीरे धीरे, ये कलर चेंज हो गया। बस अब हम इनको निकाल लेंगे धीरे धीरे, जो जो फ्राई हो गई हैं उनको निकालते रहेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया फ्राई हुई है, कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हम बाकी की सारी गुजिया भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई। होली के उपलक्ष्य पे आप भी ये गुजिया बनाएं और फिर बताएं कि आपकी कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये गुजिया की, शुगर फ्री गुजिया की रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।